हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज भिंडी बनाने वाली हूँ बिना प्याज की, तो चलिए मिलके बनाते हैं। इंडक्शन ऑन कर दिया मैंने, इसमें तेल डाला है मैं थोड़ा सा। साथ में फ्रेंड्स मैंने चाय बनाई है। 4:30 हो रहे हैं, मुझे कहीं जाना है, तो इसके लिए सब्जी दाल में बना के जाती हूँ। आटा गूंथ के जाऊँगी, आटे आने के बाद खाली बस रोटी बनानी पड़ेगी। तेल गर्म हो चुका है, हींग डालूंगी इसमें, अब भिंडी डाल दूंगी इसमें। इसको मैं ढक के नहीं बनाऊंगी इसमें, इसको ऐसे खुले में बनाऊंगी फ्राई कर करके। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जल्दी फ्राई हो जाएगी। थोड़ी सी हल्दी, अब इसको मैं साइड से कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने सुबह दाल उबाली थी पराठों के लिए, उसमें अब ये मैं दाल रस्से वाली कर रही हूँ इसको। इसको फ्रेंड मैं ढकूंगी नहीं, इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें बाकी मसाले डाल लेती हूँ। ये बिना प्याज लहसुन के हैं, इसमें नमक और हल्दी हमने पहले से डाली थी, लाल मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया। ये देखिए हमारी भिंडी एकदम फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पे, 5-10 मिनट के लिए। तब तक मैं दाल फ्राई के लिए तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्च ये काट लिए हैं दाल के लिए। इसी जब ये भिंडी निकाल लूँगी तो इसी बर्तन में मैं दाल फ्राई कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी कितनी बढ़िया बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी स्टेज में थोड़ा सा सौंफ डालूंगी। इसमें सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी फ्राई रेडी है एकदम बिना प्याज लहसुन के। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में। एकदम कुरकुरी भिंडी बनी है, एकदम ऑयल निकाल लूँगी मैं इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी फ्राई हमारी रेडी है एकदम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।